सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। बाकी अब थ्रस्ट ई स्पोर्ट्स का स्क्रीम से, एंड आपको ये वीडियो में सी जी का लाइक आज डबल चिकन डिनर मिस हुआ है, बट आपको वेलकम टू पिकाडो की फाइट, नियो का 1v3 ड्रॉ फाइट में सैनॉक में, एंड कुछ अच्छे फाइट आपको देखने को मिलेंगे। सो चलते हैं हम सीधा मैच की तरफ। बट सामने से निकल चुके हैं खिलाड़ी, तो जा सकते हैं यहाँ से। कार्निवल गेमिंग का भी कॉन्वॉय अगर देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ से चूसी सीधा ही अगर देखा जाए स्लैम इन करेंगे, और दूसरे से ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वो तो चले किसी और यहाँ पे अभी के लिए फाइट करते नजर आ रहे हैं। और आयरन क्राफ्ट, ये क्या हो चुका है, लाइफ क्राफ्ट वो प्लेयर देख करके यहाँ पर अपने खिलाड़ी को गवाते नजर आ रहे हैं। यहाँ से तो फिलहाल नुकसान हो चुका है मल्टीपल प्लेयर्स का लाइफ क्राफ्ट के राइजन फॉलबैक करने के अलावा। अब इनके पास भी कुछ खास विकल्प है नहीं, लेकिन अब ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की निकानेवल गेमिंग की बात करें तो सामने की तरफ 8-bit का स्क्वाड सही समय पे सही जगह पे आए, और दूसरी तरफ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स भी फाइट में एंगेज करती हुई। निंजा बॉय डाउन हुए हैं, लाइफ क्राफ्ट के ट्रिगर को कंफर्म कर दिया है, मैक को डाउन करेंगे ओमेगा और रिपोजिशन करेंगे। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है गेम तो, लेकिन अभी के लिए 8-bit का स्क्वाड उन्हें पता तो है इनकी पोजिशन का, सो थोड़ा सा फॉलबैक करना जरूरी है। अक्षत को गवाया है, 3 फ्रिजेस खाते में आए हैं और डिस्टेंस में खिलाड़ी हैं। राइजन निकलना चाहते हैं सर्कल के लिए, लेकिन कार्निवल गेमिंग को देखिए, कॉन्फिडेंस इनका सातवें आसमान पे है। इस समय पे फॉलबैक करने की स्थिति नहीं है, इस समय पे फॉलबैक करना भी नहीं चाहते। गॉब्लिन गेट्स टेकिंग डाउन, गाड़ी का इस्तेमाल किया है, नियो सामने खड़े थे, स्प्रे करने की कोशिश करेंगे, माइटी गॉब्लिन को कंफर्म करना चाहते हैं, क्या कंफर्मेशन आ पाएगा जी नहीं। यहाँ पे तो उसी को डाउन किया है ओमेगा ने, बदला लेना चाहते हैं, इस गो पर अनदर नो अनफॉर्चुनेटली डिनाइड। नियो आखिरी खिलाड़ी, सामने की तरफ से प्लेयर आते हुए डीपीएस पे नहीं S12 के पे स्विच किया और सही समय पे क्लच करके दिखा दिया है। 8-bit का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ टीम कार्निवल गेमिंग। फिनिशेस तो आ चुके हैं खाते में, लेकिन जल्दी जल्दी और भी कह सकते हो कि वेनम ओल्ड गेम प्ले की तरफ तो नहीं जाएंगे, उनके पास जो ओड आएगा सिचुएशन है, अपनी पोजीशन उन्होंने रिवील कर दी है, कोशिश की जा रही है। बट कार्निवल गेमिंग के गॉब्लिन S12K का कमाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि कार्निवल गेमिंग रुकने नहीं वाली है, वो अपनी अपोनेंट टीम को ज़ेउस से एलिमिनेट करके जाएगी। 2 फिनिशेस तो इस समय निकाल लिए हैं, बट क्या वो एक आखिरी प्लेयर को स्पॉट करते ही एलिमिनेट कर पाएंगे? थोड़ा सा दूर जरूर से हैं, देखते कितनी जल्दी उस आखिरी प्लेयर को यहाँ पर स्पॉट करते ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अक्षत, गॉब्लिन, जी प्ले वन, साथ ही साथ नियो, ये जब यहाँ पर इनकी जो हो चुकी है। और अगर हम स्प्रे गॉड की बात करें, नजरों के सामने एक प्लेयर दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने अपना यहाँ पर शॉट नहीं किया, उन्हें पता है कि कुछ शॉट्स अगर कर दिए गए तो उनकी पोजीशन रिवील हो सकती है। मुश्किल होती है इस तरीके की फाइट, लेकिन टीम ऑफ स्क्वाड काफी अच्छी तरीके से ये फाइट्स को निकाल तो रहे हैं, लेकिन ये किया है। बट बीच में हमें टीएल का स्क्वाड भी देखने को मिलता हुआ, डागर डेविल यहाँ पे ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए, बट सैडली वहां पे कोई प्लेयर नहीं था। दूसरी तरफ बात करें गैलेक्सी ईविल की, कार्निवल गेमिंग के ऊपर उन्होंने एक नॉक तो निकाला था, बट इन रिटर्न ईविल को ही डाउन कर दिया गया है अक्षत के द्वारा। NIY की एक्टिव फाइट, एक ट्रिपल फाइट मुकाबला है, लेकिन नीचे की तरफ एक स्क्वाड सेफ एंड साउंड बैठी हुई है, आगे बढ़ना चाहेंगे, कोशिश कर रहे थे, बट सैम छोटी सी गलती, उस चीज का अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। स्कोर पे लूटा रहने वाले हैं, देखना ये कि ये दो प्लेयर्स किस तरीके से ड्रैगनों को यहां पर लॉबी में, तो फिलहाल के लिए वो सेफ। बट वोल्टेक्स की बात करें तो कार्निवल गेमिंग के अगेंस्ट फाइट होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है उस टेस्ट की तरफ से, ये फाइट ट्राई तो जरूर करेंगे रुइंस का वो इलाका, यहाँ पर कार्निवल गेमिंग की पहला देखिए विक्ट्री वो मिल चुकी है, पहली जंग अभी के लिए पहला फ्रैग निकल जरूर चुका है, ओमेगा ट्राई जरूर करेंगे। और हर बार अगर देखा जाए यहाँ पर 50-50% रहता है, लेकिन अभी के लिए अपने कप्तान को जरूर वो नॉकआउट, और दूसरा खिलाड़ी भी नॉकआउट हो जाएगा गॉब्लिन भी, बट यहाँ वेट कर रहे थे इसी अंदाजे के साथ, लेकिन कहाँ पर मैक वो शायद दूसरे दरवाजे से आने वाले खिलाड़ी की तरफ पूरा फुल ऑन फोकस के साथ पड़े, कमाल का एक 1v3 नियो संभाल के अपनी टीम को, लेकिन मुझे लग रहा है कि वोल्टेक्स इसी ताक में थी कि जैसे ही यहाँ पर फाइट की समाप्ति होगी हम आएंगे थर्ड पार्टी करते हुए और जितने भी नॉकआउट्स खिलाड़ी हैं इनको भी यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश। बट अब नहीं हो, पहले तो अपने आप को हील कर पाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन अभी के लिए वोल्टेक्स बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया तो रीसेट करने का मौका, बट उनके सामने ही मौली है, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी नहीं है कि अपने आप को प्रॉपर मैनर में हील किया था। ओके, एक और ग्रेनेड फटा वोल्टेक्स के सारेक्स का, सामने से प्लेयर आए और सारेक्स कोशिश तो अच्छी करेंगे, लेकिन ये ड्रॉप शॉट बेहतरीन, और अब कार्निवल गेमिंग के हाथ से ये फाइट जाता है। एंड इस थर्ड पार्टी फाइट में ज्यादा एडवांटेज वो उठाना चाहेंगे, व्हीकल से उतरेंगे, देखना ये है कि लाइफ क्राफ्ट के फाइट में किस तरीके से कार्निवल गेमिंग का एंट्री हमें देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही एंट्री की प्लेयर्स को नॉक एंड फिनिश करते हुए नजर आएंगे, फिनिशेस बटोरते हुए नजर आएंगे गॉब्लिन, बढ़ चुके आगे
बट लाइफ क्राफ्ट की तरफ से सिर्फ दो प्लेयर्स बच रहे हैं, राइजन एंड पाशा। ये दोनों प्लेयर्स आएंगे, पाशा का वापस से वो बेहतरीन डीबीएस का कनेक्शन, और दूसरी तरफ से गोब्लिन का बैकअप आएगा, पाशा को डाउन कर दिया जाएगा। एक आखिरी प्लेयर बच रहे हैं जी, ई प्लेयर वन। देखना ये कि ये आखिरी प्लेयर अपनी टीम की उम्मीद पे अभी भी खड़े रहते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं वो जंप शॉट देते हुए नजर आ रहे थे, बट गोब्लिन को उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा ना। अब एक आखिरी प्लेयर बच रहे हैं कार्निवल गेमिंग की तरफ से, देखना ये है कि ये सोलो प्लेयर क्या दो टीमों के बीच में सर्वाइव कर पाएंगे। रिवाइव तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहने वाली है, रिवाइव दे दिया जाएगा अपने दोनों प्लेयर्स को, सबसे मेन प्रायोरिटी पे रखा है। बट राइजन बच रहे हैं, राइजन के पास मौका है उनका, अगर यहाँ पर ग्रेनेड्स या मॉलीज कुछ भी होते तो डेफिनेटली वो इस समय थ्रो करके नॉक्स निकाल सकते थे। पर अब चलिए, अब तो देखिए ज़्यादा हुआ थिंक करने की आवश्यकता नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आप ये देखेंगे इस इलाके में, इस विला के इलाके में कितनी क्रेट से बनी हुई है, यहाँ पर कितनी क्रेट बनी हुई है। तो मुझे तो लग रहा है कि बस इसी को ही देखते हुए, इसी को सुनते हुए, आवाज़ सुनते हुए हर कोई टीम अभी के लिए प्रोसीड कर रही है इस पर्टिकुलर जगह पर। राइवल के लूसिफर बार बार बनी यहाँ पर स्टेयर केस का, वो एक कवर मिल गया जिसके चलते अपने आप को बचाने में उनको कामयाबी मिली है। लेकिन लूसिफर एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनको लगा शायद आदित्य उनको स्पॉट नहीं करेंगे, बट इतने ओपन में आप रहेंगे तो देखिए फिर तो गलती आपकी हुई यहाँ से। बट आदित्य बहुत ही लाजवाब वो फ्रैग, 8-bit लग रहा है कि यहाँ पर जीत की मंशा के साथ आ रखी है। और मात्र अब दो टीम्स हमें देखने को मिल जाएगी, कौन कौन है वो नाम। एक तरफ तो चलिए 8-bit है, और वो दूसरा नाम देखते हैं क्या उनके आसपास ही है। एक बार वो मैप अगर देखने को मिलता है क्या उस नक्शे में बिल्कुल आसपास है कि नहीं, वो शायद पता चल पाएगा हमें। देखिए ऐसा लग रहा है कि टीम 8-bit अपने सेकेंड मैच का बदला लेना चाहती है, जहाँ पर जी उनके हाथों से वो चिकन डिनर छूट गया था, अब इन दो मिल सकता था बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं जरूर। लेकिन चलिए अब मुझे लग रहा है कि ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमारे दर्शकों को, कि अब ये जो फाइट है कार्निवल पीजी वर्सेस टीम 8-bit वो अभी के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। माइटी निकालेंगे नियो को, ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपने अभी के लिए रिटेलिएशन नहीं करा तो फिर बहुत मुश्किलें बन सकती है आदित्य का। दूसरी तरफ से वो के लिए आ जाना सामने की तरफ, शायद गॉब्लिन वो को क्रिएट करके ही समाप्त करना चाहते हैं, बट खुद को ना समाप्त कर दे इस चीज का ध्यान रखिए। गॉब्लिन बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी में, और शायद इस चीज का फायदा उठाने के लिए आदित्य भी आगे प्रोसीड कर रहे हैं उनकी तरफ। और एक आखिरी प्लेयर सोलो बच रहे हैं गॉब्लिन, देखना ये कि ये सोलो प्लेयर किस तरीके से कनेक्शन